मुझे बताएगा ये सब क्या हो रहा है? मुझे और मेरी बेटी को उस मकान से इस तरह क्यों लाया गया? वसुंधरा जी, क्या आपको नहीं लगता कि वो जगह, वो गेस्ट हाउस आपके लिए सुरक्षित नहीं था? वो जगह जैसी भी थी, मेरे पति की है। माँ, बेटी, वो हमें वहाँ इंतजार करने के लिए कह के गए थे, कह रहे थे कि जल्दी ही लौट आएंगे। देखिए बलू, विक्रम कहाँ है? रघुनाथ जी से मिलने गया है, बस आता ही होगा। कोई बताएगा कि सच्चाई क्या है? देखिए, आपकी और आपके बेटी की जान को खतरा था। किससे? दुश्मनों से। कैसे दुश्मन? हम नहीं जानते। फिर कौन जानता है? विक्रम, वही सब जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए। माँ, क्या वाकई हमारी जान को वहां पर खतरा था? बेटी, मैं कुछ नहीं जानती। मैं नहीं समझ पा रही इस शहर को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के रिश्तों। नहीं यशवंत, विक्रम ने हमारे मुंह पर एक तमाचा मारा है। और क्या करता हो? आपने अपने गाल जो आगे कर रखे हैं, यहां बैठकर ताश खेलते रहे, पत्तों का बंगला बनाते रहे, और वहां कोई आपका पत्ता उड़ा ले गया। सही बात थी, ख्यालों की ईंटें और सपनों की रेत। बिल्कुल सही कहा तुमने यशवंत, यहां मैं पत्ते का बंगला बनाता रहा और वहां कोई मेरी पत्नी और बेटी को उड़ा ले गया। कोई और नहीं रघुनाथ जी, अपना वफादार चौकीदार खान और बलराज। वो लोग वहां गेस्ट हाउस में हैं, ये मेरे अलावा सिर्फ तुम जानते थे। दूसरे चौकीदार ने बताया कि कृष्णकांत जी आपको ढूंढते हुए ऑफिस में पहुंचे थे। वहां उनके खान से बातचीत हुई किसी लड़की और औरत के बारे में। फिर से एक बार बाप ने बेटी की मदद की। नहीं यशवंत, कृष्णकांत बाप होने से पहले हमारा वफादार है। मुड़कर देखिए रघुनाथ जी, मुड़कर देखिए। लड़ते लड़ते इतने अंदर घुस चुके हैं कि अगल बगल में क्या आगे पीछे भी कोई नहीं बचा है। बचा है यशवंत, पीछे बचा है हमारा इतिहास, जिसे पढ़कर आने वाले कल की रूह कांपेगी। आपकी पत्नी और आपकी बेटी इसी इतिहास के दो पन्ने हैं, है ना? चला दो, जला दो उन दोनों को। उनकी आंच में जो भी आए वो भी जल जाए, इतनी तेज आग लगाओ। इंसान मिट सकते हैं, रिश्ते मिटाए जा सकते हैं, लेकिन यादों का क्या करोगे रघुनाथ जी? यादों के सहारे जीने वालों में से रघुनाथ नहीं है। रिश्ते तो मैं कब के मिटा चुका हूं, एक गलती हो चुकी थी, उसे अब सुधारना है। इंसानों को मिटाना मैं भूल गया था। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि वसुंधरा जी और पूजा यहाँ पर महफूज है तो तुम लोग गलत सोच रहे हो। तो तुम्हें क्या लगता है रघुनाथ जी फिर से? मेरे कुछ लगने या ना लगने से क्या फर्क पड़ता है? रघुनाथ कुछ भी कर सकता है, वो इन दोनों को पाने के लिए या फिर उन्हें मिटाने के लिए हर कोशिश करेगा। और हम लोग क्या करेंगे? मतलब हम लोग और कर भी कर सकते हैं। हम लोग उन्हें बचाते रहेंगे और रघुनाथ जी फिर से हमले करते रहेंगे, कब तक चलेगा ये सब यार? मैं तो कहती हूँ उन्हें वापस भेज दो उनके गांव। वैसे भी वसुंधरा जी अपने पति के बर्ताव को लेकर काफी अपसेट है। वो दोनों कहीं नहीं जाएंगे विक्रम, उनकी जान को खतरा है। मैंने कह दिया वो यहीं रहेंगी, मेरा इंतकाम अभी तक पूरा नहीं हुआ। कैसा इंतकाम? क्या साबित करना चाहते हो तुम विक्रम?
रघुनाथ जी को डराना चाहते हो? मैं उस हराम की पिल्ले की नींदें हराम करना चाहता हूँ। वो तो वैसे भी हो चुकी है। विक्रम, वसुंधरा जी को और पूजा को हम लोगों ने उसके शिकंजे से छुड़ा लिया, यही बात काफी है उसकी नींदें उड़ाने के लिए। उस औरत को अपने पति का इंतजार है, एक बेटी उम्मीद लगाए बैठी है, उसका बचपन उसके पिता के जरिए फिर से लौट आएगा। और उनके सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। तो फिर चुप रहो ना, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। मेरा नाम लिया है तुम लोगों ने, अब जवाब भी मैं ही दूंगा और तुम लोग भी मेरा जवाब सुनो। वो दोनों सच्चाई सुन नहीं सकेंगे। सच्चाई इंसान को इंसाफ दिला सकती है या फिर उसकी जिंदगी भी तबाह कर सकती है, लेकिन आज तुम लोग देखोगे कि सच्चाई झूठ भी बुलवा सकती है। एक ऐसा झूठ जो सच्चाई की कड़वाहट को मिठास में बदल दे। आओ। अच्छा वह तुम आ गए विक्रम, अब तुम्हें बताओ ये कौन है हमारे दुश्मन जो हम दोनों की जान लेना चाहते हैं? मैं पूजा के पिताजी से मिलना चाहती हूँ, वो आ रहे हैं ना आज? आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हीं से मिलके आ रहा हूँ। कहाँ है, कैसे हैं वो? ठीक है, उन्होंने मुझे कहा है कि हम आप दोनों की हिफाजत करें। हिफाजत? मैंने ही बल्लू से और अश्विनी से कहा था कि आप दोनों से सच्चाई ना कहें। कैसी सच्चाई? पिछले कई दिनों से मालिक पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। हे भगवान! अब इतना बड़ा कारोबार है, पैसा है, जाहिर है दुश्मन तो होंगे ही, जलने वाले भी होंगे। इन्हीं दुश्मनों से आप दोनों की जान को खतरा है। मैंने मालिक से कह दिया है कि आप लोगों की हिफाजत का जिम्मा अब हमारा है, इसलिए बल्लू ने अपनी जान पर खेल कर आप दोनों की जान बचाई। मगर ये दुश्मन है कौन? ये तो ना हम जानते हैं ना मालिक, लेकिन दुश्मन है जरूर। क्यों बल्लू? हाँ हाँ, दुश्मन तो है। मालिक आपसे बात करना चाहते हैं। कब? अभी इसी वक्त। होश में आओ विक्रम, हवा तो तुम दे ही चुके हो चिंगारी को, अब उसे भड़काओ मत। आग तो यहां भी लगी हुई है, आपसे बात करने के लिए बेकरार हैं वसुंधरा जी। विक्रम लीजिए। कैसे हैं आप? ठीक हूं। ये लोग बहुत भले हैं, आपके कहने पे इन्होंने हमारी जान बचाई। पूजा से बात? नहीं, जब मिलूंगा तब बातें कर लूंगा। जी, उस लड़के को फोन देना। जी मालिक। कुत्ते हराम खोर। शुक्रिया मालिक, ये इनाम अपने नौकरों में बांट दीजिएगा, वही इनके लायक हैं। मिल कब रहे हैं? बहुत जल्दी मेरा पैगाम तुम तक पहुंचेगा। मैं इंतजार करूंगा। मुझसे गलती हो गई बलराज, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। अरे आप तो शर्मिंदा कर रही है मुझे। मैं भगवान के सामने दिया जला के आती हूँ। पूजा, एक गर्मा गर्म चाय हो जाए, जैसे पहली बार पिलाई थी। जी, मीठी। दो औरतें होंगी, उनमें एक लड़की भी, दो लड़के होंगे उनके साथ। वो पूछ रहे हैं अगर वो बीच में आए तो। हाँ, उनको भी। हाँ, ये फाइनल है। पैसे? हाँ, मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। ओके बाय। कब तक इंतजार करना पड़ेगा तुम्हारे जवाब का? अब तो तुम्हारे हाँ सुनने के लिए मेरे कान भी तरस गए। कैसी हाँ? अरे मैंने कैसी हाँ?
हेलो, कल बोलोगी कौन अमर? हाँ? Excuse me. ये क्या excuse me? तुम आजकल बहुत भाव खरी हो, हाँ? छोड़ के चला जाऊंगा तुम्हें, हाँ? बाद में याद आएंगी तुम्हें मेरी, और वो काला नकाब पोश जब आएगा ना तुम्हारे सामने तो चिल्लाने लगोगे अमर अमर अमर, हाँ? तब याद आएगा ना तुम्हें मेरा नाम, हाँ? बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया, तुम्हारे बदले से बात करना पड़ेगा, कह दूंगा सब कुछ, हाँ? अच्छा, हाँ? क्या कहोगे ब्रदर से? कहना क्या है, जाऊंगा, खड़े रहूंगा और बोल दूंगा एक्सक्यूज मी, हेलो ब्रदर। हाँ, मैं और तुम, हाँ ब्रदर, हम यानी के तुम और मैं, हाँ हाँ, मैं और ये क्या तूतू में मैं लगा रखी है, आगे बढ़ो। अमर, मेरे जवाब का इंतजार करने से तो अच्छा है कि तुम उस नकाबपोश का इंतजार करो। शिट, सेम ओल्ड स्टोरी। आई एम सॉरी अमर, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि तुम मेरे साथ उस खौफ के साए में नहीं जाओगे। जो कुछ भी होगा मेरे साथ होगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा विशु, मैं हूं ना, इंतजार करूंगा मैं तुम्हारे जवाब का, प्रॉमिस। अच्छा, अब मैं लाइब्रेरी जाती हूं, जाना जरूरी है। इंतजाम करना पड़ेगा। जी आप, माफ करना, हम जरा खो गए थे। उल्लू की याद आ रही है, अच्छा वहां गेस्ट हाउस में वहां किसी ने कोई खास तकलीफ तो नहीं दी आपको? जी नहीं। बल्लू जी, जी हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, आपने अपनी जान पर खेलकर हमें वहां से बाहर निकाला। अच्छा 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 अच्छा, तो उसी के बारे में सोच रही थी आप? जी नहीं। नहीं, ये तो गलत बात है, आप सोच कुछ और रही हैं और बातें कुछ और कर रही हैं। जी, हमें अपने गांव की बहुत याद आ रही थी। जैसा भी था अपना था, लेकिन वहां तो दुख थे। दुख थे लेकिन अपने थे, अपनों ने दिए हुए थे। यहां पर तो उलझन बढ़ती ही जा रही है, कौन अपना कौन पराया पता ही नहीं चलता। आसान है, सच अपनी आंखें बंद कर लीजिए और पूछिए अपने दिल से, कौन अपना है कौन पराया है, जवाब अपने आप मिल जाएगा। जी हाँ, कोशिश करके देखिए, बंद कर लीजिए आंखें और पूछिए अपने दिल से। मिला जवाब? जी नहीं। मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा।
बल्लू। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन गाली नहीं। अगर विशाखा तुझे घास नहीं डाल रही है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तेरा कसूर यह है कि तू मेरा दोस्त है, समझा? अरे बदकिस्मती से तू ही एक ऐसा शख्स है जिससे मैं अपना दुख बांट सकता हूं, जिसे मैं डांट सकता हूं। समझता नहीं है कुछ भी? अरे साल खत्म होने में सिर्फ 2 ही महीने रह गए महेश, उसके बाद ना तो मुझे फिर विशु मिलेगी और ना ही वो नकाबपोश। यार नकाबपोश पता नहीं क्या कैरेक्टर है, जाने कहां से आ गया है। अरे वो जहां से भी आया, अरे तू मेरी बात तो सुन, वो तूने जो लास्ट टाइम परफॉर्मेंस दिया था ना, हाँ सॉलिड था, एकदम सॉलिड था। क्या इंटेंसिटी थी यार, वेरी गुड, कीप इट अप, कीप इट अप, कीप इट अप। ऐसे ही थोड़ी मुझे हर साल बेस्ट एक्टर का। मस्त था। ए, तू मुझे चने के झाड़ में मत चढ़ा। मैंने एक बार कह दिया ना तो मतलब ना, पीरियड। मैं तेरे को मस्का नहीं लगा रहा हूँ, भाव काय को खा रहा तू? तू खिला रहा है इसीलिए खा रहा हूँ। चल ठीक है भाई, तेरे पैर पड़ता हूँ। अरे अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। देख मैं विशु को बहुत चाहता हूँ, मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। शादी के बाद वो मेरी बीवी कहलाएगी, तेरी भाभी। हाँ तेरे को खाना खाने का शौक है ना, अरे तेरे लिए बढ़िया बढ़िया डिशेस बनाएंगी वो। यार कुछ और नहीं तो यार तुझे खाने का वास्ता, मान जाना ये पेटू, मानना यार। ज्यादा खाना मत खिला, बदहजमी हो जाएगी। उठ उठ, मुझे ये बता कब देना परफॉर्मेंस। ये हुई ना दोस्ती वाली बात। अच्छा सुन, तू मुझे ना 2 दिन का वक्त दे। हाँ मैं तेरे एंट्री के लिए अच्छा सा बैकग्राउंड सोचता हूँ। तुझे क्या याद रखेगा महेश, क्या एंट्री मिलेगी तुझे, एकदम डैशिंग। यस नीलामी के वक्त जब हमने ये जमीन खरीदी तब रघुनाथ जी की बहुत बड़ी इंसल्ट हुई, और उस इंसल्ट का बदला लेने के लिए वो आदमी कुछ भी कर सकता है, हमारी हर कोशिश नाकाम करने की भी कोशिश कर सकता है। कुछ और पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा तब तो खर्चे और बढ़ जाएंगे। देख रही हूँ तुम आजकल सिगरेट बहुत पीने लगे हो। तुम्हारा बाप भी यही कह रहा था। मजाक छोड़ो विक्रम। नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, कृष्णकांत जी भी यही कह रहे थे। तुम्हें आजकल इस खेल में बहुत मजा आने लगा है ना। खेल जंग। और हाँ वाकई मजा बहुत आ रहा है मुझे। तुम एक काम करो अश्विनी, जब ये फैक्ट्री खड़ी हो जाएगी ना तब इसमें तुम सुपरवाइजर का काम करना, वर्कर्स पे रोब झाड़ना, ये करो ये मत करो, ये बहुत ज्यादा कर रहे हो वो बहुत कम कर रहे हो, वगैरह वगैरह। मेरा इस तरह टोकना तुम्हें अच्छा नहीं लगता है ना? नहीं ऐसी बात नहीं है, कभी कभार लगता है कभी कभार नहीं भी लगता। जी आपकी चाय। मीठी। आप? आहा एक्सलेंट अश्विनी, तुम पूजा से चाय बनाना सीखो, बहुत बढ़िया चाय बनाती है। हाँ जरूर। आपसे एक बात कहें? एक क्या दो को? जी इतनी ज्यादा मात्रा में चाय पीना सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। एक तो शहर की हवा ठीक नहीं, उस पर इतनी चाय और देर रात तक काम, विक्रम बाबू इसका सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। पॉइंट पॉइंट है जी। आज से अभी से चाय टोटल बंद हमेशा के लिए, क्यों अश्विनी? हाँ हाँ सेहत का ख्याल रखना भी तो कितना जरूरी है, और फिर अब मुझे चाय बनाना भी नहीं सीखना पड़ेगा। ये महाराज बलराज सिंह जी कहाँ हैं? जी बल्लू जी बरामदे में माँ के साथ बातें कर रहे हैं। गांव में उतनी पढ़ाई कहाँ जितनी की यहाँ शहर में है, जितना संभव था पूजा ने पढ़ लिया। पूजा बहुत सुशील लड़की है। हाँ।
इनसे मिलने के बाद मैंने सोचा था इनसे कहूंगी एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के उसकी शादी कर दी, मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। ख्याल अच्छा है। अरे बाबा, शहर का तेवर देख के तो मेरा जी घबरा गया, ये ख्याल तो मैंने दिल से निकाल दिया। पूजा की मुस्कुराहट में कितना भोलापन है ना, कितनी मासूमियत है उसके चेहरे पर, जो शहर की लड़कियों में कहीं नजर ही नहीं आती आजकल। अच्छा बाबा, कम पीऊंगा सिगरेट। अब इतनी छोटी सी बात के लिए अपना मूड क्यों खराब कर रही हो तुम? कम पियो या ज्यादा, मेरी बला से। ये क्यों भुनभुना गई? जिद्दी। तुमसे और विक्रम से मिलकर हमें तसल्ली मिली कि नौजवानों में अभी भी कहीं शराफत बाकी है। इसे क्या हुआ? विक्रम ने कुछ काम बताया होगा, उसकी बातें वो कभी नहीं टालती, बहुत गहरी दोस्ती है उन दोनों में। तुमने कुछ सोचा विक्रम, कब जा रहे हैं उनसे मिलने? बहुत जल्द, रघुनाथ जी हमें पैगाम भेजने वाले हैं, मिलते ही निकल पड़ेंगे। सुनिए सुनिए, रुकिए, ए सुनो,